हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर टेक में। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड जरूर सुने होंगे, जैसे कि बिट बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। इसी तरह के वर्ड्स जो है वो आप नॉर्मली जब वीडियो या जब ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखे होते हैं कि इसका साइज ये है, या अगर आप कोई मेमोरी कार्ड या SSD या हार्ड डिस्क परचेज करने जाते हैं तो भी इस तरह के वर्ड्स जो है वो लिखे रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के साथ जानेंगे कि ये सब क्या है। इतना तो आपको पता होगा कि एक स्टोरेज यूनिट है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक गीगाबाइट में कितनी बाइट होती है, और इस तरह से एक मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें हम इसमें डेटा यूनिट में, तो सबसे छोटी यूनिट होती है यानी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं वो होता है एक बिट, जो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे छोटी यूनिट है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्या है ये बिट, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है आखिरकार बिट, और बिट में डेटा क्या और कितना आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट है जो कि डिजिटल मीडिया में स्टोर किया जाता है। उसके बाद में इसमें जो अगला पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि इट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1 और 0। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी वैल्यू जो है कोई समझता है, तो इसमें एक बिट का मतलब है या तो उसमें की वैल्यू 0 है या 1 है, यानी कि दोनों चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती, या तो उसमें एक टाइम एक स्टोर हो सकता है या उसमें एक टाइम में 2 स्टोर हो सकता है। यानी ऑल इन ऑल एक बिट का मतलब होता है बाइनरी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू 0 या 1। उसके बाद में अगला जो, और हम जो अपने डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो इसका ये है कि द वैल्यू ऑफ ए बिट इज यूजुअली स्टोर्ड एज इधर अबव और बिलो ऑफ ए डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ए सिंगल कैपेसिटर विद इन ए मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज जो है या जो डेटा है वो एक फिक्स, एक ये कह सकते हैं कि डेजिग्नेटेड चार्ज होता है, यानी कि एक चार्ज की वैल्यू निर्धारित की जाती है, जैसे कि 5 वोल्ट या 1 वोल्ट या 5 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पॉइंट्स में ही होता है वो चार्ज। जब उसकी वैल्यू 1 होती है बाइनरी वैल्यूज में तो वो उस चार्ज से ऊपर स्टोर किया जाता है, और जब उसकी वैल्यू 0 होती है तो वो उस पर्टिकुलर लेवल से नीचे स्टोर किया जाता है। आप इस तरह समझिए कि जैसे एक पुल होता है, तो पुल के जो पानी है, तो पानी को आप 0 मानिए कि वो पुल के नीचे से निकलेगा, और जो व्हीकल होते हैं वो पुल के ऊपर से निकलते हैं वो 1 होता है। तो और जो पुल है वो डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है, यानी कि जो बाइनरी में किसी भी अपने नंबर को जो बाइनरी में चेंज करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी नंबर जैसे 2 को अगर बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग आता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 को हम 0010 में स्टोर करते हैं, या यूं कहें कि 10 में स्टोर करते हैं, तो एक बिट में अगर कंप्यूटर में हमें 2 वैल्यू को, 2 एक डिजिट को सेव करना है तो हमें 2 बिट डेटा की जो ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक डेजिग्नेटेड चार्ज होता है जो 0 होता है वो उस चार्ज के नीचे स्टोर किया जाता है, और जो 1 होता है वो उस चार्ज के नीचे। इसी तरह से एक सीक्वेंस बनाया जाता है किसी भी चिप में जो भी कार्ड होता है, और उसी के आधार पर डेटा आगे स्टोर होता है। इसी तरह 3 के लिए 0011 होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम इसके से थोड़ी बड़ी यूनिट जो कि है निबल। तो निबल का अर्थ होता है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक निबल में 4 बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाइट की तादाद होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और एक निबल बराबर होता है 4 बिट, यानी कि कोई भी एक बाइनरी नंबर 0 या 1 से एक बिट और 4 बिट को मिलाने से एक निबल बनता है। अब जब ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद में आगे बात करें बाइट की, तो बाइट में 8 बाइनरी नंबर्स होती है, यानी कि 0011 जो होती है वो अगर हम 8 बार लिखते हैं, चाहे वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं, जो भी वैल्यू दी गई होगी, जैसे 2 के लिए अलग हो, 10 के लिए, 20 के लिए, जो बाइनरी नंबर होगा, जैसे कि 27 के लिए, 30 के लिए, जिसके लिए भी हम चाहें जो बाइनरी नंबर लिखेंगे, उसमें जब 8 हो 0011 करके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में वो एक बाइट बनेगी।
और इसने जैसा कि इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करती है एक करेक्टर को, एक नंबर को या एक सिंबल को और एक इमेज या वीडियो को भी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कंप्यूटर में 150 टाइप किया तो उसकी जो वैल्यू होगी वो, यानी कि जो स्टोर करने के लिए उसको जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो 1 byte होगा, क्योंकि 150 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये एग्जैक्टली 8 नंबर आते हैं जो कि बाइनरी में होते हैं, और 8 binary जो नंबर्स है वो मिलकर ही 1 byte का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि करेक्टर की यानी कि जो वर्ड फाइल होती है उसका भी एक साइज होता है, वो KB में, मेगाबाइट में या किलोबाइट में या गीगाबाइट में भी कुछ फाइल्स होती हैं। इसी तरह नंबर्स जो है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर साइज होता है जिसमें किलोबाइट या मेगाबाइट में, इसी तरह सिंबल्स का भी एक बाइनरी में कोड होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि इमेज और वीडियोस जो भी हैं वो भी इसी प्रकार स्टोर किए जाते हैं कि उन्हें बाइनरी और जो बाइनरी भाषा में डिकोड किया जाता है और जो प्रोसेसर होता है उसी के पास ये बाइनरी भाषा जाती है, क्योंकि वो इसी भाषा में समझता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोसेसर के पास जब हम 50 MB का वीडियो चला रहे होते हैं तो कितना सारा डेटा होता है प्रोसेस करने के लिए। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो यूनिट्स है वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 50 byte की या 50 byte की भी तो भी ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, लगभग 400। उसके बाद में अगर हम बात करें मेगाबाइट से, यानी मेगा यहाँ पर मिलियन से हैं, तो मिलियन बाइट यानी कि 10 लाख। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वीडियो फाइल एक्चुअल में कितनी बड़ी और उसमें कितने, एक जो वीडियो फाइल है जो 4 से 5 मिनट की होती है उसमें कितने ज़्यादा करेक्टर्स के इक्विवेलेंट हम ये कह सकते हैं कि डेटा स्टोर किया गया है। तो इससे के आधार पर फाइनल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि 1 byte मतलब 1 bit बराबर 2 nibble यानी कि 2 की पावर 3 bit। उसके बाद में आगे जो बात आएगी वो है किलोबाइट। तो किलोबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10 bytes या 1024 bytes, यानी कि 1024 bytes मिलकर 1 kilobyte का निर्माण करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1024 byte कैसे आई, तो इसके बारे में हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा कि 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 2 होता है, उसी तरह 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, और इसे हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसी तरह। और इतनी लिख क्यों सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर सभी की 1 है, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 1, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है और 10 की पावर 3 बनता है। उसी तरह आप यहाँ पर 2 की भी, आपने वहाँ पर देखा कि 2 की पावर 10 भी हुई थी, तो वो भी इसी तरह मल्टीप्लाई होने के बाद ही हुई थी, क्योंकि 1024 byte बराबर 1 kilobyte, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 यानी कि 8 बराबर 2 की पावर 3, जो कि कैसे आया है 1, जो यहाँ पर थे 1 1 पावर 1 प्लस 1 प्लस 3। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 × 8 यानी 64। 8 असल में क्या है, 2 की पावर 3, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 6 यानी कि 64 × 64, वो जो भी वैल्यू होगी आप देख सकते हैं, यानी कि हमें कह सकते हैं कि ये भी 64 होगा। उसके बाद में वापस समझाते हैं अपनी जो स्लाइड है जो किलोबाइट वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो किलोबाइट है वो समझ में आ गई, यानी कि 1024 bytes यानी कि 1 kilobyte, और इसे राउंड फिगर करके 2 की पावर 10 में लिख दिया जाता है। वैसे ये 2 की पावर 10 होता नहीं है, लेकिन यूँ लिख दिया जाता है कि 1024 लिख दिया जाता है, और इसे राउंड फिगर करके 1000 bytes भी लिख दिया जाता है। सॉरी, ये 2 की पावर 10 ही होता है, लेकिन जो राउंड फिगर करके इसको 1000 bytes यानी मेनली काउंट किया जाता है, हालांकि 1024 bytes होता है। और आप जो डेटा देखते हो आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्पीड आ रही होती है वो किलो बिट्स में आ रही होती है, किलो बाइट्स में नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो स्पीड हमें लगता तो है कि इतने KB की स्पीड है, लेकिन असल में वो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो स्पीड जो है वो किलो बिट्स में होती है, किलो बाइट्स में नहीं। इसके और जो बाइट है जो वो बड़ी यूनिट है, और बिट है वो आपने देखा कि सबसे शुरुआती और सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद में अगली जो यूनिट है वो है मेगाबाइट। तो मेगाबाइट यानी कि 2 की पावर 10 जो किलोबाइट होता है उसमें
या यूं कहें कि 1024 किलोबाइट है वो मिलकर 1 मेगाबाइट बनाता है, यानी कि 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट या 2 की पावर 10 किलोबाइट्स, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 ही होता है। उसके बाद में अगला जो है वो गीगाबाइट, तो ये भी सेम 1 गीगाबाइट यानी कि 2 की पावर 10 मेगाबाइट या 1024 मेगाबाइट, जो कि यहाँ पर आप भी देख सकते हैं इसे GB में दिखा हुआ। आपने ये डेफिनेटली वर्ड सुना होगा GB, 1 GB कार्ड, 2 GB कार्ड, 1 GB रैम, 2 GB रैम। इसके बारे में भी, रैम के बारे में भी हम के आने वाले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, कलर डेप्थ और जो उसके अलावा जो बिट पैनल्स वगैरह उसके बारे में, सब के बारे में भी। उसके बाद में अगला जो यूनिट आती है वो है टेराबाइट, इसे TB भी कहते हैं। ये भी आप जो टर्म है वो थोड़ी थोड़ी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती हैं कंप्यूटर पर मेनली वो नॉर्मली आजकल 1 TB की ही हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में आना ये जो स्टार्ट हो जाती है। तो 2 की पावर 10 GB या 1024 GB बराबर होता है 1 TB के। इसके बाद में अगला जो है यूनिट आती है वो है पेटाबाइट, तो पेटाबाइट इसे बोलते हैं PB। तो ये इसमें भी 2 की पावर 10 TB या 1024 TB जब मिलते हैं तो 1 पेटाबाइट मिलते हैं। उसके बाद में जो अगला यूनिट आती है वो है एग्जाबाइट, तो एग्जाबाइट में 2 की पावर 10 पेटाबाइट या 1024 पेटाबाइट होते हैं, यानी कि 1 एग्जाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट या 2 की पावर 10 पेटाबाइट। इसके बाद में अगली जो यूनिट आती है वो है जेटाबाइट, इसमें 1024 एग्जाबाइट या 2 की पावर 10 एग्जाबाइट होती हैं, दोनों सेम ही हैं, ये 1024 बोल दो या 2 की पावर 10 बोल दो। इसके बाद में जो अगला यूनिट आती है वो है योटाबाइट, तो योटाबाइट को YB से डिनोट करते हैं, और इसमें जो बात करें इसमें यूनिट्स की, तो इसमें 1024 जेटाबाइट और 2 की पावर 10 जेटाबाइट होते हैं। ये कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है, इससे बड़ी स्टोरेज यूनिट अभी तक कम ये कह सकते हैं कि इवॉल्व नहीं है। और अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जिसकी स्टोरेज 1 योटाबाइट हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 योटाबाइट में कितनी ज़्यादा जो है वो वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनमें असल में ये यूनिट कितनी बड़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि 1 बाइनरी जो नंबर होता है वो 1 बिट के बराबर होता है, उसके बाद मैंने बताया कि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, या जो कि बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है, या यूं कहें कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। उसके बाद मैंने बताया कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट या 2 की पावर 10 बाइट, और इसे ऑलमोस्ट मान लिया जाता है 1000 बाइट, क्योंकि 24 नंबर को अगर देखा जाए तो वो 1000 के सामने काफ़ी कम है, तो इसे राउंड ऑफ करके या राउंड फिगर करके लगभग 1000 बाइट मान लिया जाता है, यानी कि 1 किलोबाइट जो बड़े यूनिट्स होते हैं वैसे तो 1024 बाइट होता है, लेकिन जो नॉर्मली कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें 1000 बाइट मानते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाती है। उसके बाद में बात करें हम मेगाबाइट में, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट जैसे कि ये तो हमने देखा था, उसी तरह यहाँ पर ये 1000 × 1000 जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि जब 10 की पावर्स को गुणा करते हैं तो पावर्स जुड़ जाती है, तो यहीं पर यही सब हुआ है कि 10 की जो पावर्स थी यहाँ पर 10 की पावर 3 थी, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा किया गया था 10 की पावर 3, तो यहाँ पर 10 को 6 बार गुणा किया गया तो 10 की पावर 6। उसके बाद में 1 GB में 10 की पावर 9 होगा। इसके बाद में अगली जो यूनिट आती है 1 GB, तो इसमें इसी तरह 10 की पावर 9 बाइट होती है, और इसके बाद में जो अगली यूनिट आती है वो 1 TB की आती है, जिसमें 1024 GB, 2 की पावर 40 बाइट की, 2 की पावर भी उसी तरह जुड़ रही हैं जिसकी तरह 10 की पावर 6 जुड़ रही है। जैसे कि मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 बाइट बराबर 2 की पावर 10 बाइट यानी कि 1024 बाइट, तो इसी तरह यहाँ पर भी 2 की पावर जो है वो 10-10 करके जुड़ती जा रही है, और जो 10 की जो पावर्स हैं वो 3-3 के अंतराल में जुड़ती जा रही हैं।
उसके बाद में जो अगली यूनिट आती है वो है 1 पेटाबाइट, तो इसमें भी आपको 10 की पावर 15 बाइट और 2 की पावर 50 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद में जो एक्टाबाइट होता है उसमें 1024 पेटाबाइट और 2 की पावर 60 बाइट और 10 की पावर 18 बाइट। इसी तरह 1 जेटाबाइट होता है उसकी पावर उसमें 2 की पावर 17 बाइट और 10 की पावर 1 बाइट। तो आप ये जो लास्ट वाला जो नंबर है जेटाबाइट, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 80 बाइट और 10 की पावर 24 बाइट, यानी कि अगर हम 10 को 24 बार गुणा करेंगे तो उसके में जो नंबर आएगा वो होगी सबसे बड़ी यूनिट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 संख्याओं का नंबर हो चुका, उतने शायद हमें गिनती भी नहीं आती हुई कि वो कितना बड़ा हो गया। ये 70 ट्रिलियन तक कह जाता है, 70 बिलियन तक। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी यूनिट है एक। तो ये है दोस्तों इस यूनिट्स का कुछ खेल, जिसमें एक करेक्टर से लेकर लाखों या अरबों खरबों आई थिंक लाखों करोड़ों खरबों तक के ये जो संख्या है वो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बिट है और इसकी जो पीडीएफ वगैरह या जो भी इसकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप तब देख रहे हैं तो इसे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के जो टेक्निकल वीडियो जिसमें कि कलर डेप्थ और जो 8-bit और वगैरह के बारे में जानकारी, पिक्सल्स वगैरह के बारे में जानकारी भी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।